हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये हो रहा है इवनिंग का टाइम, तो मैं बना रही थी सैंडविच। एक ऊपर की ब्रेड, एक नीचे की ब्रेड है, तो बस एक ऊपर और नीचे की बच जाती है। तो आलू रखा हुआ था, तो मैंने सुबह सैंडविच बनाया था, तो मैंने कहा थोड़ा सा आलू रखा हुआ है तो एक सैंडविच बना लेती हूँ। आधा मिष्टी खा लेगी, आधा मैं खा लूँगी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सैंडविच। इवनिंग का टाइम हो गया है, मैंने चाय वगैरह पी ली है। बस सैंडविच खाने का मन था, चाय पीने का मन नहीं था। मैं पी चुकी हूँ चाय, इसलिए तो बस मैंने एक सैंडविच सेका और मिष्टी को हाफ में से हाफ करके दे दिया और मैंने हाफ खा लिया। तो सैंडविच मुझे बहुत अच्छा लगता है और मिष्टी को भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ना सैंडविच बनाती रहती हूँ ज़्यादातर, और मेरे हस्बैंड को बहुत कम अच्छा लगता है, तो वो नहीं खाते हैं। मैं और मेरी मिस्टी खा लेते हैं 2-3 बार सेक सेक कर। बस ऊपर और नीचे की ब्रेड थी तो उसी का बनाया हुआ है। आओ मिस्टी, आ जाओ आ जाओ, खा लो। हाँ हाँ ठीक है, आ जाओ। I lost yet another, but it doesn't matter. Down one more lover, it doesn't matter. I did what I do best. My soul broke into parts, feeling red. यहाँ पर मेरी मिस्टी की फेवरेट सब्जी बन रही है आज, दम आलू। तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है दम आलू और परत वाला पराठा। तो बस कोशिश रहती है परत वाला पराठा बनाने की, पर मुझसे अच्छे से बनता नहीं है। और यहाँ पर मैंने आलू को बॉईल करके रख दिया है, ये देखिए। तो इस तरीके से आलू मेरी मिस्टी नमक के साथ भी खा लेती है, बहुत टेस्टी लगते हैं। मैं भी खाती हूँ नमक के साथ। तो यहाँ पर मैंने खड़े मसाले पहले डाल दिए हैं और फिर मैं हींग डाल दूँगी, थोड़ा सा जीरा डालकर। और मैंने मसाला ना घोरा हुआ लिक्विड बना के रखा है, जो उस ड्राई मसाले पानी में डालकर हम लोग लिक्विड बना लेते हैं, तो वो उससे ना टेस्ट का सब्ज़ी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ दम आलू। तो वो अभी आएगी और वो कहेगी थैंक यू मम्मा, आपने मेरे लिए दम आलू बनाए, वो काफ़ी दिन से कह रही थी। तो बस आज मिस्टी की पसंद का ही खाना बन रहा है। तो यहाँ पर बस पेस्ट बना लिया है, लहसुन है और प्याज है, टमाटर है, मिर्ची है, सारा कुछ है मिक्सअप। और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। और आप फ्राई करके सब्जी बनाओ कोई भी, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। और यहाँ पर मैंने मलाई का भी यूज़ किया हुआ है। मलाई में थोड़ा सा ये भुन भुन जाएगा, फिर मैं इसमें मलाई डाल दूँगी 2 चम्मच, तो टेस्ट काफ़ी ज़्यादा। अगर आप पे काजू हो तो आप काजू भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने काजू नहीं डाले। मुझे बस ऐसी सिंपल सी बनानी थी, तो बस यहाँ पर 2 चम्मच मलाई डाल दी। और ये देखो आ गई है मम्मा, आज मेरी फेवरेट सब्जी बना रही हो। तो मैं मिष्टी से पूछ रही थी मिष्टी आलू खाओगी नमक के साथ, तो मिष्टी ने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मैं सब्जी खाऊंगी बनने के बाद। और मिष्टी ने तुरंत सब्जी बनी, तुरंत ही मम्मी सब्जी दे दो कटोरी में, बस सब्जी और चावल खाए थे उसने, और सब्जी ऐसी ही खाई थी कटोरी में। तो वो बस मुझसे मुझसे ऐसे प्यार कर रही है, वो कह रही है मम्मा थैंक यू, आपने मेरे लिए दम आलू बनाए। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा पढ़ लो ज़रा, कल पेपर है मैथ का। तो बस मिस्टी के एग्ज़ाम भी ख़त्म होने वाले हैं, 2 रह गए हैं, 2 रह गए हैं अब। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा वो इसमें रखा हुआ था काली मिर्च का मसाला, जो खड़ी काली मिर्च होती है उसी का मसाला रखा हुआ था, जब मैंने शिवरात्रि थी तब मैंने कूटा हुआ था इसमें, तो उसी में रखा हुआ था। तो मैंने थोड़ा सा वो भी डाल दिया। और यहाँ पर लगे हाथ में बर्तन भी धुल कर रख दे रही हूँ, साथ के साथ अगर बर्तन धुल कर रख देना तो ज़्यादा नहीं होते हैं। कौन कौन ऐसे काम करता है मुझे कमेंट करके बताना, मैं तो ऐसे ही करती हूँ और बहुत सारा काम मुझसे वैसे भी नहीं होता है। और यहाँ पर ये सब्ज़ी रेडी है, आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा टेस्टी देखने में लग रही है, खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी थी। तो यहाँ पर बस मिस्टी की फेवरेट सब्जी, और मेरी फ्रेंड मेरे लिए अमृतसर से कुछ लेकर आई थी, तो बस वो ही दिखाऊंगी आप लोगों को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरा शाम की तैयारी सारी हो चुकी है, मैं आज बनाऊंगी, मैंने दम आलू की सब्जी बनाई हुई है और मैं चावल बनाऊंगी। और दम आलू सब्जी मेरी बन गई है और मैंने आटा लगा कर रख दिया, थोड़ी सी मैदा की क्वांटिटी रखी है और थोड़ा थोड़ा सा मैंने आटा डाला हुआ है। और मैं वो परत वाला पराठा, एंड अमृतसर गई थी घूमने,
तो वो मेरे लिए कुछ लेकर आई है, तो मैं वो ही दिखाऊंगी आप लोगों को। मेरे लिए मिष्टी के लिए लेकर आई है, तो मिष्टी के लिए ये देखिए कितना प्यारा सा ये पर्स है। ये देखिए मिष्टी के लिए पर्स लेकर आई है, वो बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आया। वो मुझसे पूछ रही थी कैसा लगा तो बताना, तो मैंने कहा बहुत काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। देखिए आप लोग मिष्टी का पर्स कैसा है, बहुत छोटा सा है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये देखिए ये बैक साइड में इस तरीके का, और ये देखिए अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, तो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और ये मेरे लिए ईयरिंग्स लेकर आई है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए एक ये है, ये देखिए ये राउंड में है, कलरफुल है, किसी के साथ भी जा सकते हैं। ये देखिए और एक ये लेकर आई है, ये देखिए एक ये लेकर आई है, ये इस तरीके से है, इस तरीके से देखिए एक ये लेकर आई है और एक ये वाले लेकर आई है। ये देखिए तो आपको मैं वियर करके दिखाती हूँ, वन मिनट, सारे वन वन भाई वियर करके दिखाती हूँ, तो बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच मेरी फ्रेंड को, मेरी फ्रेंड भी देखती है वीडियो मेरे, इसलिए पहले ये वाले पहन कर दिखाती हूँ। ये देखिए ये इस तरीके के हैं कुछ, देखिए कैसे लग रहे हैं बताना मुझे कमेंट करके। ये देखिए कुछ इस तरीके के दिख रहे हैं, देखिए आप लोग। और सेकंड वाली पहन कर दिखाती हूँ, ये है सेकंड वाले, ये भी किसी सूट पे जा सकते हैं, किसी पे भी आप पहन सकते हो इनको। ये देखिए बिल्कुल लाइट वेट है, कोई हैवी नहीं है। ये देखिए कैसे लग रहे हैं बताना मुझे कमेंट करके। और अब मैं आपको थर्ड वाले पहनकर दिखाती हूँ, ये भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे हैं, सारे लाइट वेट हैं, कोई हैवी नहीं है। कैसे लग रहे हैं और अब मैं मिलती हूँ थोड़ी देर से। यहाँ पर बस मैं पराठा बनाने के लिए आ गई हूँ, और मैं ये मैं मिर्च दिखा रही हूँ, लाल मिर्च है, चिली फ्लेक्स, तो मेरे पास रखे थे पिज़्ज़ा वाले पाउच रखे थे, तो मैंने उसको दो खोले हुए थे, और इसमें मैंने नमक डाला हुआ है, मैंने आटा और मैदा को माड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैं वो आपको मिर्ची दिखा रही थी, तो बेलने के बाद थोड़ा सा मैं घी लगाऊंगी और मिर्ची को थोड़ा सा ऊपर से लगा दूंगी, और फिर जिग जैग की तरह बना दूंगी, और फिर उसे राउंड करके और फिर पराठा बनाऊंगी। तो इससे ना बहुत अच्छी लेयर आती है, आप कभी भी ट्राई करके देखना, और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी पराठा लगता है। आप सिर्फ आटे का भी बना सकते हैं, गेहूँ के आटे का, अगर मैदा ना हो तो। मैं थोड़ा सा मैंने मैदा डाला हुआ है, और ये देखिए मिर्ची को मैं थोड़ा सा डाल दे रही हूँ, हल्का हल्का डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि मिर्ची फिर नहीं खाएगी।
इसलिए यहाँ पर मैं जिग जैग बना दे रही हूँ और राउंड करके पराठा सेकूँगी, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बने थे और इसमें लेयर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है, छोटी छोटी लेयर आती है तो खाने में टेस्टी लगता है, देखने में भी लुक वाइज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो बस इस तरीके से पराठा बना लूँगी और बस मिर्ची की पसंद कुछ ना कुछ रहती है, पनीर की सब्ज़ी उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, उसे दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, इस तरीके की चीज़ें, फिंगर फ्राइड, ये सारी चीज़ें, बर्गर वो कैसा खाती है, एकदम प्लेन खाती है बर्गर। ये देखिए मैं आपको लेयर दिखा रही हूँ, ये देखिए छोटी छोटी लेयर हैं, तो बस अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बैक कैमरे से, तो इसमें कितनी ज़्यादा लेयर हैं वो आप लोग देखना, तो काफ़ी ज़्यादा लेयर आ जाती हैं इस तरीके से। और यहाँ पर गैस को सिम करके सेंकना है, बहुत तेज़ वाली गैस में नहीं सेंकना है, इसलिए क्योंकि पराठा फिर अंदर से सेकेगा नहीं, इसलिए तो बस इस तरीके से। ये देखिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है मेरा, बट कोई नहीं, खाना ही है, बट अच्छा लगा, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाता है। ये देखिए मैं आप लोगों को लेयर दिखा रही, 1 2 3, अभी आपको बैक कैमरे से भी दिखाती हूँ कितनी सारी लेयर हैं इसमें। ये देखिए कितनी सारी लेयर हैं इसमें, तो ये काफ़ी ज़्यादा यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी पराठा, और यहाँ पर दम आलू की सब्ज़ी हमारी रेडी है, तो आ जाइए आप लोग भी हम लोगों के साथ पार्टी कर लीजिए, और कभी कभी इस तरीके का भी खाना बना लेना चाहिए, तो मेरी मिर्ची को बहुत ज़्यादा पसंद है तो बन ही जाता है। और यहाँ पर हम लोगों ने खाना पीना हो गया है हम लोगों का, तो यहाँ पर जल्दी से बस गैस को क्लीन करूँगी और बर्तन ज़्यादा नहीं साफ़ करने हैं, क्योंकि पराठा बनाया हुआ तो रोटी नहीं बनाई हुई है, तो इसलिए सुबह मॉर्निंग में ही धुलूँगी, और यहाँ पर जल्दी जल्दी फटाफट करना है, फिर हम लोगों को वॉक पे भी जाना है, तो बस थोड़ा सा बाहर टहल के आ जाती हूँ, मौसम थोड़ा चेंज हो गया है, तो अब सर्दी ख़त्म हो गई है तो अब गर्मी का मौसम आ गया है, तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ किचन क्लीनिंग। तो यहाँ पर थोड़े से मेरे चावल भी बच गए थे, तो इसको मैं बाउल में रख दूँगी, और चावल ना मिष्टी को फ्राई करके दे दो, तवे पे फ्राई करके दो, तवे वाले बहुत अच्छे लगते हैं उसको, और हल्दी ना डालो, तो इस तरीके के चावल उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कभी कभी स्कूल में भी ले जाती है फ्राइड चावल, कि सिंपल वाले फ्राइड कर दो और कुछ मत डालना उसमें, तो हमने कहा ठीक है मिष्टी, उसको कुछ ना डालो, बस ऐसे ही फ्राई कर दो, और बस ये कहती रहती है कोई स्नैक दे दो मम्मी, स्नैक ले जाऊँगी, कोई स्नैक दे दो मम्मी, स्नैक ले जाऊँगी, बस सारा टाइम उसका यही रहता है, और बस बच्चों की फरमाइश पे चीज़ें बन भी जाती हैं और खप भी जाती हैं और अच्छा भी लगता है, और कभी कभी बनाना भी चाहिए, कभी कभी मार्केट का भी खाना चाहिए, सब तरीके का खाना चाहिए। और यहाँ पर थोड़ा सा म्यूजिक लगाती हूँ, आप लोग देखिए, एंजॉय करिए वीडियो को, और मेरे वीडियो ब्लॉग आप लोगों को कैसे लग रहे हैं बताइएगा ज़रूर, अगर अच्छे लग रहे हैं तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी जल्दी करिए फ्रेंड्स, और मेरी हेल्प करिए, और आप लोगों की हेल्प बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और मुझे बहुत ज़रूरत है आप लोगों की हेल्प की, तो बस आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूँगी। और यहाँ पर हमारी गैस क्लीन हो गई है, आप लोग देखिए, और बस नाइट में ही इस तरीके से साफ़ सफाई करके डाल दो ना, तो मॉर्निंग के लिए काम आसानी से, मतलब कि आसान हो जाता है, और बस सुबह मॉर्निंग में बस अपना थोड़ा बहुत डस्टिंग और बस अपना सावर ले लेना, और बस इस तरीके का काम रहता है। और मिस्टी भी स्कूल जाती हैं सुबह सुबह, तो काफ़ी ज़्यादा भगदड़ होती है, हस्बैंड भी जाते हैं और लंच लेकर, तो काफ़ी ज़्यादा भगदड़ होती है। और चलिए फिर थोड़ा सा म्यूजिक लगाती हूँ, आप लोग देखिए एंजॉय करिए वीडियो को।